इसमें स्किन केयर जाएगा, उसमें जो है वो मेकअप जाएगा। ये मैंने जो वेल डिजर्विंग होगा उसी को मिलेंगे ये तमाम प्रोडक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी निशु। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत सारा मेकअप जो है वो डीक्लटर कर रही हूँ। 1 मिलियन होने पर हम लोग गिव अवे करेंगे और 30 विनर्स को मिलेंगे बहुत सारा मेकअप और स्किन केयर, साथ में कपड़े, शूज, बैग्स जो है वो मैं अलग से रखूंगी, वो बिल्कुल न्यू होंगे, यूज नहीं होगा। अभी जो मैं सारा मेकअप तकरीबन डीक्लटर करने वाली हूँ वो भी ऑलमोस्ट जो है अनटच्ड और यूज बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि वो लड़कियां जो कि हमेशा मेरी वीडियोस पर इंगेज करती हैं, कमेंट करती हैं, शेयर करती हैं, ढेर सारा प्यार दिखाती हैं, तो उनको मैं भी अपनी तरफ से ढेर सारा प्यार दिखाऊं, गिफ्ट दूं। तो जैसे ही मेरे 1 मिलियन पूरे होंगे तो गिव अवे करेंगे, ठीक है। जो रोजाना इंगेज करेगा मेरी वीडियोस पे 30 मिनट्स को मिलेगा ढेर सारा कुछ मेरी तरफ से। तो चलें भाई, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ डिक्लटर कर रही हूँ। मैंने ये ड्रॉर्स वगैरह जो है वो ओपन कर लिए हैं। मैं चाह रही हूँ कि सारी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मेरे घर में से जाएं उन लोगों के पास जो कि जरूरतमंद है, और फाइनली मेरा स्टूडियो जो है वो थोड़ा हल्का फुल्का दिखे, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है और मेरे दिल पे इतना बड़ा बोझ होता है ना जब चीजें मेरे रूम में पड़ी होती हैं एक्स्ट्रा। मैं कहती हूँ कि बस मैं किसी को दे दूँ चीजें, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, जो कुछ भी। आई ऑलवेज वॉन्ट कि भाई किसी के पास चले जाए चीजें, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं ये चीजें निकाल के किसी को दूं। बट आई थॉट कि चलो वीडियो बनाते हैं, हो सकता है बहुत से लोग इंस्पायर्ड हो मेरी वीडियो से, हो सकता है कि अनयूज्ड चीजें जो हैं जो कि वो यूज नहीं करते वो गिव अवे कर सकें या किसी को दे दें ताकि कोई और यूज कर सके। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अच्छा, एक टिप मैं देती जा रही हूँ, ये देखें भाई, ये मैंने स्कार्फ वाला हैंगर लिया था और उसमें मैंने अपने तमाम नेकलेसेस जो है वो इस तरह से हैंग कर लिए। अगर आपके नेकलेस भी जो है वो अड़ जाते हैं, ट्राई दिस टू गुड। इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है, जब मुझे जरूरत होती है मैं निकाल के पहन लेती हूँ। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी बिफोर, और बिफोर के बाद आपको दिखाऊंगी आफ्टर के कितनी सारी चीजें जो है वो निकल चुकी है। और मैंने यहाँ पे 2 कार्टन्स रखे हैं, एक वो बड़े वाला जो है उसमें मेकअप जाएगा और छोटे वाले में जो है वो स्किन केयर जाएगा। आई होप कि आपको नजर आ रहा है, इसमें स्किन केयर जाएगा, उसमें जो है वो मेकअप जाएगा। ये मैंने वीडियोस के लिए कपड़े रखे हैं तो इसको इग्नोर करिए, बिल्कुल नवे नकोरे, आप देख सकते हैं हैंग हुआ है, क्या कहते हैं इसको। ये मैंने एथनिक से लिया था, इसका गला बहुत बड़ा था, ये पूरा खुला था, मैंने ये बंद करवाया। यहाँ से ये बोट शिप टाइप गला था वो भी मैंने बंद करवाया, ठीक है। जो काम करने वाला है वो स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। मैंने वीडियो पॉज कर दिया क्योंकि बहुत जरूरी बात बतानी थी। मुझे रिसेंटली एक पार्सल रिसीव हुआ है एंड आई थॉट कि मैं आप लोग से शेयर करूँ मुझे कहाँ से रिसीव हुआ है, मेकअप प्रोडक्ट्स है इसमें, और जिस वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया था उसकी तमाम डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया। वहाँ से आपको मेकअप, ज्वेलरी, एक्सेसरीज में मतलब कि बैग, कपड़े, लाइक हाई एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ओरिजिनल, ऑथेंटिक मेकअप, बॉडी केयर, स्किन केयर, यू नेम इट, दे हैव इट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है। मैंने अपने टॉप 10 फेवरेट प्रोडक्ट्स जो हैं वो पिक किए हैं, 10-10 सेल इज गोइंग ऑन उनकी वेबसाइट पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक उनकी, गो अहेड, हैप्पी शॉपिंग। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या वहाँ से पिक किए हैं, सो लेट्स डिग इन। सबसे पहला प्रोडक्ट है लॉरियल का हाइलोरोनिक एसिड, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा था, आई थॉट लेट्स ट्राई दिस वन आउट। बहुत ज़बरदस्त है, अफोर्डेबल है, अगर आपकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड है ट्राई दिस वन आउट। नेक्स्ट है मेबेलिन का ड्यूई स्मूथ फिनिश प्राइमर, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड। देन वी हैव मेबेलिन का बेबी स्किन प्राइम। नेक्स्ट का मैट सेटिंग स्प्रे, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है रिकमेंडेड। नेक्स्ट की पावर पफ लिपी, टू गुड। अच्छा, तो इसका शेड है ग्रुप लव। रिसेंटली मैं स्टोरीज पे ये लिप क्रेयॉन लगाया था इन शेड स्पीक योर माइंड, और हर कोई इसके बारे में पूछ रहा था, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम बैग एल। फेस्ट का मस्कारा, वन ऑफ द बेस्ट। एंड मेकअप रिवोल्यूशन का हाइड्रा बॉम लिप ग्लॉस, एंड इसका शेड है वर्सेस, एंड यू गाइज नो कि हाउ मच आई लव इसका शेड किस, सो अगर आप लोगों ने ट्राई करना है यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस वेबसाइट। एंड वी हैव नेक्स्ट का स्वीट चीक्स ब्लश इन शेड सिट्रीन रोज, अभी मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ये फुल मेकअप ही मैंने तमाम प्रोडक्ट्स यूज करके क्रिएट किया है। अच्छा है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वी हैव बेनिफिट का डलाज, आप इसको जो है ब्लश की तरह भी यूज कर सकते हो और आप इसको एज अ ब्रॉन्जर भी यूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेबेलिन का फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन, जबरदस्त रिकमेंडेड मेरी तरफ से। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने इस वेबसाइट से पिक की थी, अगर आप लोगों ने इसमें से कुछ भी लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, गो अहेड, बाय।
सो ये वाली जो साइड है ना, इसमें से ये तमाम चीजें जो ऊपर हैं, ये काम वाली है, ये तमाम चीजें कैमरा एक्सेसरीज हैं, ये परफ्यूम है, और इसमें जो ये तमाम नेकलेसेस लगे हैं ना, ये जाने वाले हैं किसी के पास, बिकॉज ज्वेलरी भी मैं रिमूव कर रही हूँ थोड़ी बहुत, इसको भी हटा के मैं बॉक्स में रखने वाली हूँ। अच्छा, 1, 2, 3, ये तीनों ड्रॉअर जो है ये ज्वेलरी के हैं, ठीक है, और ये फोर्थ ड्रॉअर जो है ना, इसमें मेरे हेयर बैंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल नेल्स वगैरह पड़े हुए हैं, जैसे कि ये हो गए, ठीक है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ये देखें, ये निकाल लेते हैं। ये मैंने एक चीज़ मंगवाई है, स्लिमिंग पैच, ट्राई करेंगे फिर आपको बताएंगे कि कैसा है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। इसमें लेंस हैं और इधर उधर की चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि ये स्किन केयर की होगी, मैं यूज़ नहीं करती, मैं निकाल के देने लगी हूँ, मतलब रखने लगी हूँ गिव अवे के लिए। ये पीछे भी स्किन केयर, ठीक है, ये मैं चाह रही थी कि मैं यूज़ करके आप लोग को दिखाऊँ ये डिफरेंट टूल्स हैं कि ये काम करते हैं या नहीं, तो इसको मैं रख लूँगी अपने पास। फिर एसेंशियल ऑयल्स हैं, मैंने मंगवाया है एक डिफ्यूज़र, उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ होती है। ये मेरा हेयर कलर है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वाला बैग भी जाएगा एक्स्ट्रा सामान में, मतलब उधर, ठीक है। मैं देखूंगी लेंस केसेस अगर मैंने यूज़ ना करने हुए, क्योंकि ये मेरे आई साइट के लेंस है, तो मैं लेंस किसी को दे नहीं सकती। मैं देखती हूँ अगर कलर लेंसेज हुए तो वो मैं निकाल के रख दूँगी एक्स्ट्रा जो है। ये भी जो है ना, ये भी जा रहा है गिव अवे में, ठीक है। ये है भाई सोप एंड ग्लोरी का पूरा सेट है ये, ठीक है, आया हूँ दिखाती हूँ मुझे। ये देखें, इस सेट में जो है हैंड क्रीम, बॉडी बटर, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बॉडी बटर जो है ये मैं ले लूँगी और बाकी चीज़ें जो है मैं दे दूँगी, ठीक है। ये मेरी चाय बेचारी मेरा इंतज़ार कर रही है कि आप कब पियेंगी मुझे। ये देखें, ये बहुत अच्छा है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो टिन कैन के साथ ही इधर जाएंगी, इधर, ठीक हो गया, वो पेंसिल उधर चली गई। ये भाई वीटी कॉस्मेटिक्स की स्किन केयर है, ठीक है, स्लीपिंग मास्क हैं दोनों के दोनों, वीटी कॉस्मेटिक्स एक्स बीटीएस। ये मुझे किसी ने मेरा पाउच कस्टमाइज करके दिया था, निशु खान, मेरी तस्वीरें ऊपर, ये भी मैं रखने लगी हूँ उधर, ये इधर ही रहेंगे। इसमें देखते हैं क्या है, इसको जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट्स, जिस पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। आई विश कि मैं इसमें से कुछ लेंसेज जो है वो दे सकती, ये बिल्कुल न्यू पड़ा है, लेकिन ये भी -2 है। सारे जो है ना वो मेरे नजर के हैं, जैसे कि ये बेला कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं -2 में, और इसका शेड है क्लाउडी ग्रे। ओके जी, सो ये रहा आफ्टर, बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने निकालनी है। अब नेक्स्ट ड्रॉर की बारी है, जो कि रहा ये, इसमें से बहुत सारी चीजें मैं निकालूंगी। ये बीके केयर की हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये भी जाएंगी, कोई यूज ही कर लेगा अल्लाह का बंदा। ये जुगन काजिम का एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी। ये जो है ना, ये है वीटी कॉस्मेटिक्स की ही स्किन केयर है, ये बॉडी लोशन जा रहा है। ये जो है ना, दोनों क्रीम्स वीटी कॉस्मेटिक्स के ही हैं, ये लिप बाम नूर का, ये भी जा रहा है, ये सारे भी जा रहे हैं। ग्लो कॉस्मेटिक्स के कंसीलर, ये रूट कॉस्मेटिक्स का सीरम है, फ्रूट सीरम है ये। अच्छा जी, ये लाइट्स जो है ना सारी इधर ही हैं, ये टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स इधर ही हैं, ये जो है ना ये इधर ही रहेगा, ये सोप्स जो है ना ये भी जा रहे हैं। ये तो भर गया अभी से, बाकी जो है ना ये लाइट्स वगैरह हैं जो कि मैं नहीं देना चाह रही। ये एक स्पंज है गो माइक्रो की तरफ से, मेकअप रिमूव करने वाला, ये भी मैं किसी को नहीं दे रही। ये फिटकड़ी है, ठीक है, जिसको मैं यूज़ करती हूँ, बाकी लाइट्स वगैरह हैं। सो ये हो गया आफ्टर, लास्ट ड्रॉर है, ठीक है, लास्ट ड्रॉर दिखता कुछ इस तरह से है, ये बिफोर है, ठीक है। अच्छा जी, तो वीडियो बनाने के बाद मुझे पता लगा कि मैं बैठी कैसी हूँ, लोटा प्लीज इग्नोर, लेकिन आई विश कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखा सकती कि मैं क्या कुछ निकाल रही हूँ। फेशियल किट्स मैंने निकाली, सीरम्स, स्किन केयर्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये डर्मासेशन का फेशियल किट था वो मैंने रख दिया है, और एक दो और भी फेशियल किट्स हैं, जैसे कि स्किन डीप का फेशियल किट, और आप देख सकते हो कि ये जगह बिल्कुल खाली हो चुकी है, दो कॉटन जो हैं वो तकरीबन फुल हो चुके हैं। मैंने थर्ड मंगवा लिया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं डिक्लटर कर रही थी। ये ग्लॉसिप की लैशेज़ हैं,
आपको पता तो होगा कि ग्लॉसिप कौन है। ये वाले स्टाइल जो है ये बहुत फेवरेट है मेरा, तो ये मैंने साइड पे रख लिया। बाकी मैंने बहुत सारी लैशेस डीक्लटर की हैं, ठीक है, जो मैंने बिल्कुल नहीं पहनी और ना पहन सकती हूँ। ओरिफ्लेम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने डीक्लटर किए हैं जो कि मैंने यूज़ नहीं किए। स्किन केयर की बहुत सारी चीज़ें हैं, सेटिंग स्प्रेज निकाली हैं मैंने यहाँ से, ठीक है, फिर बहुत सारी लिपस्टिक्स निकाली हैं। येस आई नो कि लिपस्टिक्स मैंने थोड़ी बहुत यूज़ की हैं, तो हो सकता है कि वो बीच में इंक्लूड ना करूँ, हम किसी और को दे दूँ। अगर आप लोग समझते हो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो तो मैं डिसइनफेक्ट करके या सैनिटाइज करके फिर आप लोगों को सेंड कर दूँगी। ओके, सो नेक्स्ट ड्रॉअर था फाउंडेशन, कंसीलर, लाइनर्स वगैरह का, ब्लश वगैरह। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल दी, फाउंडेशन बहुत सारी पड़ी थी जो कि मैंने यूज़ बिल्कुल भी नहीं की थी, तो आई थॉट कोई और यूज़ कर लेगा। मैं वन बाय वन कुछ दिखा रही थी लेकिन टाइम लैप्स थे, बहुत जल्दी जल्दी क्विकली सारा कुछ रिमूव हो गया। बट खैर, जब मैं गिव अवे पैक करूँगी, एक व्लॉग टाइप में बनाऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पर बहुत सारे पीआरस पड़े थे एक्स्ट्रा जो कि मैं यूज़ नहीं करती, मैंने 4-5 घड़ियाँ भी इन गिव अवे में इंक्लूड किए हैं। ये वाली जो है मेरे और मेरे हस्बैंड की है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्यारी प्यारी घड़ियाँ भी हैं, ठीक है, ज्वेलरी जो है वो भी है। तो ये जो मैं नीचे जगह दिखा रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ कैमरा इक्विपमेंट्स पड़ी हैं, दूसरी तरफ स्ट्रेटनर पड़ा है, तो वो हिला जुला नहीं सकती। इनमें स्किन केयर और तमाम नया सामान था जो कि मैंने निकाल के गिव अवे में इंक्लूड किया है। गिव अवे के लिए आपको पता है आपने क्या करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एक्टिव रहना है। सबसे ज़रूरी बात जो है वो एक्टिव रहना है। इस ड्रॉअर में सिर्फ स्किन केयर था, नया बिल्कुल अनटच, वो मैंने रखा है। लेकिन गिव अवे के लिए एफर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि प्यार दोगे प्यार मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे आई शेडोज जो मैं यूज़ नहीं करती थी वो मैंने निकाले हैं, हाइलाइटर्स निकाले हैं। नी हाँ, नी हाँ, मेरी हालत देखो जरा। नी हाँ, ये चाइनीज होती है। हाँ जी, थक गई हूँ मैं बहुत सख्त। ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी खिलारे पड़े हुए हैं और ये नीचे टेबल के नीचे भी खिलारे पड़े हुए हैं। एंड यू कैन सी 3 कार्टन भर चुके हैं एंड वो ट्री शहीद हो चुकी है, इसको उठा लीजिएगा। काम मैंने किया, थक वो हो गई है। लंबी पड़ी हुई है। ये भी रखना है, ठीक है। बाकी सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं, एक की मुझे वीडियो बनानी है और एक में ज्वेलरी पड़ी हुई है। और कुछ इसमें जो है ना, इसमें तो सारे वो आए हैं स्ट्रेटनर। अवीनो बेबी का ये वाला सन ब्लॉक अपने बच्चे के लिए बिल्कुल मत ले, बिकॉज ये ब्लेंड करना इंतहाई मुश्किल है। ये है लोई। मुझे तो पता ही था। ये ना मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ है ज्वेलरी बॉक्स अर्बन समथिंग से, तो बहुत जबरदस्त है ये। मतलब कि ये अलग अलग कंपार्टमेंट है, इसमें आप अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं। आई लव इट, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं अन्नी हूँ, मुझे अपनी ज्वेलरी नजर ही नहीं आती, और ये इतने मजे की क्लियर, बिल्कुल आपको चारों तरफ से नजर आ रहे हैं कौन सी अंगूठी कहाँ पड़ी है। टू गुड, इतनी अंगूठियों में एक अंगूठी कहाँ मिली। हाँ, ये भी ठीक बोला, पर इसको घुमाना बड़ा मुश्किल है भाई। सो ये रही फाइनल वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो जरूर बताइएगा, मेरे 1,000,000 पूरे होंगे तो ये तमाम प्रोडक्ट्स 30 मिनट्स के पास जाएंगे। तब तक कीप ऑन शेयरिंग, और ये उन्हीं को मिलेंगे जो के मेरे चैनल पे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे कंटेंट को शेयर करेंगे। मुझे बाकायदा ईमेल्स आती हैं कि कौन एक्टिव है कौन नहीं, रिप्लाई अगर मैं नहीं भी देती मुझे फिर भी पता होता है कि कौन एक्टिव है कौन नहीं। सो मैं देखती रहूंगी, जो वेल डिजर्विंग होगा उसी को मिलेंगे ये तमाम प्रोडक्ट्स। इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे 30 विनर्स के बीच में, या 30 विनर्स में, ऐसे ही बोलते हैं कुछ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।